मूवी की शुरुआत में हम एक कार को रोड पर खड़ा देखते हैं। तभी वहाँ एक कपल आकर उस कार को चुरा के वहाँ से निकल जाता है, जहाँ वे दोनों पूरी रात ड्राइव करते हैं। जब सुबह उस लड़की एम्बर की आंख कार में खुलती है तो वो अपने आप को जंगल में पाती है। वो देखती है कि उसका बॉयफ्रेंड जैक मिसिंग है, पर वो थोड़ा शांत होती है। जब वो उस कार के पीछे की विंडो से देखती है तभी एम्बर के फोन पर किसी का कॉल आता है। देखने पर वो कॉल उसकी मॉम का था, जिसे वो इग्नोर करती है। यहाँ जैक कार में वापिस आता है। एम्बर उसे देखकर कहती है कि क्या वे फ्लोरिडा पहुंच गए हैं। इस पे जैक कहता है कि अभी नहीं, और वो तो कहता है कि उसे नहीं पता कि वहां जाने का रास्ता कौन सा है। तभी एम्बर मैप ढूंढने के लिए कार का कंपार्टमेंट खोलती है, पर मैप की जगह उसे वहां गन मिलती है। जैक उसे बाहर बुलाकर वो गन चलाना सिखाता है, जिस पर एम्बर डरते हुए वो गन चलाती है। ये देखकर जैक कहता है कि उसने अच्छा किया, पर अगली बार वो गन चलाते वक्त अपनी आंखें खुली रखे। तभी एम्बर उससे कहती है कि क्या वो इस गन के साथ अच्छी लग रही है, जिस पर जैक हाँ भरता है, लेकिन एम्बर उसी पर गन पॉइंट कर देती है। ये देखकर जैक कहता है कि ये कोई मजाक नहीं है, पर एम्बर उसे घुटनों पर बैठने के लिए कहती है, जिस पे जैक भी हंसते हुए वैसा ही करता है। एम्बर उसे आंख बंद कर 10 तक गिनने के लिए कहती है। जैक उसकी बात मानकर अपनी आंख बंद कर लेता है। तभी एम्बर उसे थोड़ा धीरे गिनने के लिए कहती है, जिसे सुनकर जब जैक गिनती पूरी कर अपनी आंख खोलता है तो वो देखता है कि एम्बर हंसते हुए उससे दूर भाग रही थी। जहां एम्बर भागकर एक लेक के पास पहुंच जाती है और वो अपने कपड़े उतारकर उस लेक में चली जाती है। पर कुछ देर तक स्विमिंग करने के बाद एम्बर थोड़ा सरप्राइज होती है, क्योंकि जैक अभी तक वहां नहीं आया था। तभी वो अपने सामने किसी स्ट्रेंज आदमी को खड़ा पाती है, जो उससे लेक के बारे में पूछता है कि लेक का पानी कैसा है, जिस पर एम्बर कहती है कि इसका पानी बहुत अच्छा है। एम्बर को नर्वस होता देख वो आदमी एम्बर से पूछता है कि क्या उसने उसे डरा तो नहीं दिया। यहाँ एम्बर शांत रहने की कोशिश करती है और कहती है कि नहीं, सब ठीक है। ये कहकर एम्बर दूसरी ओर के किनारे पर जाने लगती है, पर उसके देखने पर वो भी उसी ओर जा रहा था। इस पर एम्बर उससे पूछती है कि वो उसे फॉलो क्यों कर रहा है, जिस पर वो आदमी कहता है कि वो तो बस व्यू को एंजॉय कर रहा है। और ये सुन एम्बर नर्वसली उस पर हंसती है। तभी वो आदमी उसे कहता है कि पास में जो कार खड़ी है क्या वो उसकी है। एम्बर हंसते हुए उसे हाँ कहती है और पूछती है कि क्या उसने वहाँ कोई लड़का देखा। ये सुन वो आदमी एम्बर को थोड़ा नजदीक आने के लिए कहता है, क्योंकि उसे उसकी आवाज ठीक से सुनाई नहीं दे रही थी। एम्बर के ऐसा करने पर वो उससे उसका नाम पूछता है, जिसे सुन एम्बर को थोड़ा अजीब लगता है। तो वो अपने कपड़ों और उसमें पड़ी गन को देखकर अपना नाम बताती है। वो आदमी उससे कहता है कि उसे अभी स्कूल में होना चाहिए, जिस पर एम्बर कहती है कि वो स्कूल नहीं जाती। वो आदमी एम्बर को बताता है कि ये जगह काफी खतरनाक है, क्योंकि हर साल यहाँ काफी लोग डूबकर मारे जाते हैं। एम्बर ये सुनकर थोड़ा टेंशन में आ जाती है, पर वो अपने फेस पर उसे ये नहीं दिखाती और बात को हंसते हुए टाल देती है। फिर तैरकर उस आदमी से दूर जाने लगती है। तभी वो आदमी उसे एक कॉम्प्लीमेंट देता है कि उसका हेयर स्टाइल उसे पसंद आया, जिस पर एम्बर उसे थैंक्स कहती है। और अब वो उस आदमी के सवालों से थक चुकी थी, पर अब भी वो आदमी उससे कहता है कि वो अब बाहर आ सकती है। वो उसे प्रॉमिस करता है कि वो उसे नहीं देखेगा, तो वो बिना डरे शांति से बाहर आ सकती है। एम्बर इतनी देर उस ठंडे पानी में रहने के कारण काफी कांप रही थी, पर फिर भी वो उस आदमी के बिहेवियर के चलते बाहर नहीं आती। तभी वो आदमी एम्बर से कहता है कि उसे नहीं लगता कि उसका बॉयफ्रेंड अब यहाँ आएगा, जिसे सुन एम्बर गुस्से में कहती है कि अगर वो यहाँ से नहीं गया तो उसका बॉयफ्रेंड आकर उसे बहुत मारेगा। जिस पर वो आदमी हंसते हुए कहता है कि उसका बॉयफ्रेंड पहले ही मर चुका है। ये सुनकर एम्बर शॉक हो जाती है और वो जोर से चिल्लाकर जैक को बुलाने लगती है। ये देख वो आदमी उसे कहता है कि वो अब जल्दी से बाहर आ जाए, क्योंकि यहाँ उसे सुनने वाला कोई नहीं है। कंफ्यूज होकर एम्बर दूसरे किनारे की तरफ जाने लगती है, लेकिन कुछ देर पीछे मुड़ने पर वो देखती है कि वो आदमी वहाँ से गायब था, जिसे देख वो जल्दी से पानी से बाहर आती है और डरते हुए जल्दी से
अपने कपड़े पहनती है, पर यहाँ उसे अपनी गन नहीं मिलती। ये देख वो तुरंत जंगल के अंदर भागती है अपने बॉयफ्रेंड जैक को पुकारते हुए, पर वहाँ उसे कोई नहीं मिलता। कुछ दूर जाने पर उसे अपनी कार मिलती है और वो रोते हुए उसे स्टार्ट करके जल्दी से वहाँ से निकलती है। बाद में वो जैक को कॉल भी लगाती है, पर जैक का कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। और तभी हम पीछे की सीट से किसी का हाथ एम्बर की ओर बढ़ते हुए देखते हैं, और इसी के साथ ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। तो गाइस, आपको ये मूवी कैसी लगी प्लीज राइट डाउन इन दी कमेंट सेक्शन। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जस्ट वेट एंड टेक केयर।